बंदे पुरुषोत्तम, पुनर्जन्म न हो इसकी क्या संभावना है? श्री श्री ठाकुर जी से एक भक्त श्री प्रफुल्ल दा ने प्रश्न किया कि पुनर्जन्म न हो इसकी क्या संभावना है। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि यदि तुम्हें वृत्तियों के गह्वर में पड़ने की संभावना नहीं है तब तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। तुम्हारा मायिक संस्कार एवं बंधन कट जाने पर तुम्हारे अंदर परा प्रकृति उद्भासित होगी, जैसे कैवल्य महाचेतन समुत्थान तृष्णा निर्वाण कहते हैं। इस अवस्था में शरीर त्याग करने पर स्वयं की सत्ता लेकर वह रहता है। परम पुरुष के कार्य हेतु प्रयोजनानुसार वह जन्म ले सकता है। उनके आविर्भाव में जो जो प्रयोजन है वही लोग आते हैं। पुनः प्रश्न किया कि जो लोग उन्हें प्रेम करते हैं क्या ये लोग उनके साथ नहीं आएंगे? श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि जिन्हें प्रेम करने का वैशिष्ट्य है, जब वे जिस वैशिष्ट्य में आते हैं उस वैशिष्ट्य के सहानुध्यायी जो हैं वही आते हैं। वे पुनः प्रश्न किए कि महापुरुषों के साथ जो आते हैं उनमें भी वृत्ति भेदी टान वाला मनुष्य दिखाई नहीं देता है, क्यों? श्री श्री ठाकुर ने कहा कि वृत्ति नहीं रहने से जन्म ही नहीं होगा। देखा जाता है कि कोई व्यक्ति वृत्तिमुखी जीवन यापन करता है, किंतु महापुरुष के संग होने के बाद वह मोड़ ले लेता है एवं उसका नया जीवन आरंभ हो जाता है। इस परिवर्तन के पीछे कारण है, जैसे जगाई मघाई के समान कितने मनुष्य थे, इन लोगों से भी कितने मनुष्य अच्छे थे, किंतु उन लोगों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्या कारण है? बिना कारण कुछ भी घटता नहीं है। रत्नाकर वाल्मीकि हो गए। यदि वाल्मीकि होने का अंतर्निहित संभाव्यता नहीं रहे तो यह नहीं होता है। सत्य दृष्टा जो हैं उन्हें आगे पीछे सब कुछ दिखाई देता है। नारद जी रत्नाकर को देखकर हताश नहीं हुए। गिरीश घोष शराबी थे, उन्हें लेकर श्री राम कृष्ण देव के पास कितने लोग आकर शिकायत करते थे, किंतु वे इस पर ध्यान नहीं देते थे। अच्छा बुरा जो भी पास है उसे लेकर इष्ट के प्रति मोड़ देने से ही कार्य हो जाएगा। वह अच्छाई अच्छा नहीं है जो इष्ट के प्रति निवेदित नहीं है। आत्मस्वार्थ शून्य होकर इष्टार्थ सेवा ही सार्थक है। हनुमान जी ने लंका दहन किया, मृत्युवाण चोरी किया, यह सभी कार्य श्री रामचंद्र जी के लिए किया। हनुमान जैसे वीर भक्त कहाँ हैं? इष्ट प्रीति कर्म जो कर्म नहीं है वह बंधन स्वरूप है। इसलिए कहा गया है आत्मस्वार्थी दुर्नीति या अपराध कभी भी समर्थन योग्य नहीं है। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि बुद्ध देव ने कहा है कि तृष्णा का एकांत निर्वाण हो। चैतन्य देव ने कहा है कि यह सब मैं नहीं समझता, मेरी तृष्णा रहे, मैं केवल तुम्हें ही चाहता हूँ, यही मेरी एकमात्र तृष्णा है, तुम्हें छोड़कर मेरी कोई तृष्णा नहीं है। दोनों ही बातें एक ही हैं, चैतन्य देव का पथ ही सहज है। आलोचना प्रसंग षोडश खंड प्रश्न संख्या 36-38 दिनांक 7-8-4-1949। जय गुरु।